गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में तीन प्रभु बताए हैं। ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। भक्ति बिना क्या होते है ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बारे। ओह, सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था, करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था, और आप दौरे मुश्किल से 20 तोले सोना होगा, थर दौरे गुणा बुढ़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते हैं वो रति नहीं लेके गए, ग्राम भी नहीं ले जा सके, तुम कहाँ ले जा सकोगे और के किला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में? ये तो खाम खाँगा सिर दर्द है, सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा, कान में डाल लिया, नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखा, इस पर आडंबर करने की कति जरूरत नहीं, इसे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इस काया का गर्भ ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे इतर छिड़को चर हो रहा रे। तो परमात्मा धीरे धीरे, क्योंकि हम इतने इस सामाजिक माहौल में हम इतने गहरे चले गए कि वहां से वापस आना अपनी पटरी पे हमारे लिए कठिन हो रहा है, हम दलदल में धस गए। लेकिन परमात्मा का सहारा आपको एक क्रेन का काम करेगा, एक तो ज्ञान होगा, फिर परमात्मा की शक्ति आपके साथ होगी। अब जैसे मीराबाई को जब ज्ञान हुआ, उसने नहीं ना समाज देखा, ठाकुरों की लड़की थी वो, ठाकुरों की, और ठाकुर समाज में बहन बेटी को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, वो पर्दों में रखा करते थे, स्वयं उनके नौकर होते थे, नहीं होते थे तो स्वयं मेल यानी मनुष्य सब मजदूरी करते थे या खेतों में काम करते थे, और उनको घर से बाहर निकलना नहीं देते थे औरतों को, और अगर घर से बाहर जाते तो उसकी अपनी बेइज्जती मान्या करते थे, बहुत गणी इंसल्ट मानते थे। उसमें मीराबाई का समझ में आ गया कहानी, और उसने मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। बहुत विरोध हुआ, माँ भी लड़ी, पिताजी ने भी खूब धमकाई, लेकिन नहीं मानी, शादी कर दी जल्दी सी। शादी करने के बाद भी उसका पति बहुत अच्छी आत्मा का था, उसने भी उसकी आत्मा को दुखा नहीं, और राजा था इसलिए उसका उसको कोई रोक नहीं सका, उसका रास्ता खोल दिया भगवान ने। वह मंदिर में जाने लगी, एक दो नौकरानी साथ भेज देता उसका पति, फिर दुर्भाग्य साथ रहता है, वो पति की मृत्यु होगी, देवर ने बहुत कुफर तोले, घर से बाहर जाना बंद कर दिया, लेकिन वो रुकी नहीं, फिर भी जाती रही। फिर उसी संघर्ष में परमात्मा मिल गए। अब परमात्मा कहते हैं 68 तीर्थ जाइए, मेले बढ़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते हैं, कोई साधु संत मिल जाते। एक दिन मीराबाई जा रही थी मंदिर में, रास्ते में परमात्मा कहते हैं सोथल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। कबीर परमेश्वर और रविदास जी अमूमन साथ रहा करते थे, वहाँ सत्संग कर रहे थे उसी रास्ते में जहाँ से मीराबाई मंदिर जाती थी। उस दिन मीराबाई ने वो सत्संग सुनने को मिल गया, उसकी बुद्धि बदल गई,
फिर परमात्मा वहां लीला करते थे, क्योंकि अपनी प्यारी आत्मा को निकालना होता है। वहां हफ्ते हफ्ते दो दो तीन तीन दिन सत्संग कराया करते थे, और मीराबाई फिर सत्संग में जान लाएगी। उसके देवर ने उसको मारना चाहा, विष पिलाया, नहीं मरी। विष का न्यू का न्यू प्याला पीगी कति पूरा बगैर किसी में मिक्स किए, और सर्प भेजा था मीराबाई को मारने के लिए गहनों के आभूषण के डिब्बे में, बॉक्स में। आभूषण का डिब्बा जब खोला मीराबाई ने, उस काले सर्प का आभूषण गहना यानी हार बन गया। इसके बावजूद भी वो उसका दो देवर था वो राजा बन गया था भाई की मृत्यु के उपरांत। उसने अपनी बेइज्जती समझी कि विधवा भाभी सत्संग में जाती है, रात्रि के समय भी जाती है, इज्जत का नाश हो गया। मारना चाहे उसको मार दूं, इतना भयंकर होती है लोग लाज। मारना चाहे लेकिन मालिक जिसके ऊपर हाथ है कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना को, और बाल ना बाका कर सके थे जग बैरी हो। तो मीराबाई ध्रुपर लाद, इनका इतिहास देख लो। परमात्मा जिसके साथ है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। तो उस आखिर में जब उसकी माँ ने कहा कि मीराबाई तू सत्संग में जाना छोड़ दे, दुनिया हमारी बहुत ऊंची नीची बातें करती है, तो मीराबाई ने कहा था कि सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, चाहे जड़ कर मरो संसार। यानी हमने इस स्थिति पर आना पड़ेगा जब भगवान का लाभ लेना है। दो दिन में आ जियो चाहे दस दिन में आ जियो, और घना समय व्यर्थ करके आ जाना, और फिर क्या होगा कि समाज आपके साथ होगा, क्योंकि हम जिस दिशा में चल रहे हैं वो सबसे श्रेष्ठ और आसान रास्ता है, मार्ग है। इससे मोक्ष भी होगा, घर में सुख भी होगा, परमात्मा का सहयोग भी मिलेगा, और जैसे हम विवाह करते थे ड्रामाबाजी करते हैं, डीजे बजावें, पंगा पावें, क्रकुतने का आभूषण बनवावें, उन्हें चोर निकाल ले जाए फिर टक्कर मार करो है। तो इसे पंगे में पा क्यों दे, ब्याह करना है, बच्चों का संस्कार तो भगवान ने जोड़ रखा पहले। हमारे ड्रामाबाजी तो ब्याह नहीं होता, ये तुम्हारी बकवादे हैं। सारा परिवार नाचन लग गया, वैसे ही नाचा करती जिनको स्पेशल बदनाम औरतें होती थी, आज सरेआम नाचती हैं। लज्जा खत्म हुई, मर्यादा का नाश होया, और फिर ठेकेदार बन रहे हम, बड़े इज्जतदार हैं। बाप नाचे, बेटी नाचे, उसकी पत्नी नाचे, भाई नाचे, और सारे बेटे नाचे, और सरेआम गली में बेशर्मी कान तो लिया। और फिर ये डीजे बजावें, पंगा पावें, सीधा सा ब्याह करना है, बच्चों का संस्कार जोड़ना है, जोड़ दो। वचन से बेटी पराई होती है, वचन से कि हम अपने बच्चे का आपके बच्चे से विवाह करते हैं, हो गया, पांच चार आवे उनका खाना खिला दे, सिंपल जैसा हो, चाहे हलवा बनाओ खीर वो अलग बात है, लेकिन वो उसी उपलक्ष्य में नहीं, कभी भी अतिथि के लिए हम अच्छा भोजन वैसे भी बनाते हैं, वो उद्देश्य हो, और फिर बच्चों का ब्याह कर दे। उसमें कुछ भी फालतू नहीं दे, वह एक फॉर्मलिटी नहीं, हृदय में जगह ना हो, लेने वाला ने सोचा मैं ऊपर, मैं अपने ऊपर कर्ज नहीं लूंगा, कर्ज क्यों करूं इनका। और भगवान ने, परमात्मा ने अपने बच्चों को जो देना है वो उनकी भक्ति के प्रतिफल से, फिर कुछ भी कसर नहीं छोड़ेगा, परमात्मा साथ रहेगा। तो अब जैसे विवाह कर रहे थे, बहुत से प्रमाण ऐसे मिलते हैं, पहले दिन तो नाचे कूदते थे, अगले दिन बारात गई, रस्ते में दुर्घटना होगी, वो दूल्हा मारा गया, मृत्यु होगी। अब पहले दिन तो नाचे कूदे बेगन तार रहे, दारू पी हुए, सारा फंड कर रहे, और फिर टक्कर मार करो है। तो परमात्मा बार बार याद दिलाते हैं, साधु संत भी बताते हैं, जैसे नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस भी दृढ़ जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानु केड़ा हासावे। हम नशे में हैं, हमारे ऊपर त्रिगुणमयी माया का जबरदस्त प्रभाव है, जिसके कारण हम इतना, हमारे ऊपर दबाव है, इतना नशा है कि हम न्यूना बिरा काल न बिजली गिर जाएगी, कल को कुछ भी हो सकता है, हम सोच रहे अभी नहीं मरेंगे, और जो आज मर रहे हैं वो क्या उसने सोच रखा था कि हमारी ऐसे इतनी शीघ्र मृत्यु होगी। पुण्यात्माओं, ये सत्संग के जो एंटीबायोटिक ये वचन है,
इनसे यू नशा उतरेगा, और जिसका ये नशा नहीं उतरता तो काम गड़े ढोरे अभी मतलब आवा है यहां पर, जिसके ये बात हृदय में उतर नहीं रही, जिनका ये कसक नहीं हो रही कि मैं करने के आया था, करके रहा हूं, अब भी विकार करते हो, कोई और उठपटांग करते हो, मर्यादा भंग करते हो, फिर समाज को देख कर उसी तरह आप चल पड़ते हो, तो आपकी वो भांग उतरी को ना। और ये उतारने के लिए ये सत्संग सुनाए जाते हैं, परमात्मा का आदेश आपके समक्ष रूबरू किया जाता है, इसका पालन करना आपके लिए अनिवार्य है। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी यहां आते हैं, तब अपना एक लीला करते हैं और वो हमें सिखाते हैं, उदाहरण देते हैं कि तुमने जब भगवान चाहिए तो मेरे की तरह रहो। एक निर्धन दानक दुलाहे की भूमिका बुनकर कपड़ा बुना करते थे, सूत दड़ी का होता था, काट कर देते थे, उस सूत को फिर परमात्मा खड्डी बना करके, जैसे दुलाहे काम करते थे, एक लंबी खड्डी होती थी, उसमें एक दो डंडे से गाड़ लिया करते थे, उसका सूत पहले तो लपेटा करते पूरा, नुआ जा कर आ कर पूरा लपेटा करते, और फिर एक एक धागा उसके अंदर से नली के द्वारा ऐसे एक ऊपर नठाया, फिर सूत नीचे के, फिर ऊपर के, फिर नीचे के, फिर उसको निकालते थे, फिर दूसरा धागा ऐसे रहते थे। और परमात्मा कहते हैं इससे कठिन काम और नहीं हो सकता, कितना बड़ा 30-40, 20-30 फुट का 50 फुट का थान बनाना, और एक एक तार पोक है, पहले तन्नु ऐसे पूरने और फिर उनके अंदर से धागे निकालने और फिर वो पूरा हो और फिर उस थान की बुनाई प्राप्त हो, वो जो बनता था कपड़ा उसकी केवल मजदूरी मालिक प्राप्त किया करते थे, एक आना दो आना, और फिर उससे अपना गुजारा करके दिखाया। तो लेकिन भगवान नहीं भूलते थे, एक लीला करते थे, वे अपना काम भी कर रहे हैं और कहते हैं मैं सुमरण भी कर रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, अपना दैनिक कार्य भी कर रहा हूँ और सुमरण भी कर रहा हूँ। नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागवे। परमात्मा उदाहरण दे के जाते हैं कि काम करते करते, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तो समर किल्बे समर कर्तुम समर, क्योंकि ओम नाम ब्रह्म तक का है और वेदों में पूजा की विधि तो केवल ब्रह्म तक की क्लियर की गई है। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है, कोड वर्ड अधिक है उसमें, वही गीता में कहा ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और वही वेदों में लिखा है। तो उसमें ये लिखा कि मेरी जो साधना करनी है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और जो इसका अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ते समय श्रमण करता हुआ जाता है, यानी आखिरी सांस तक अभ्यास करता हुआ इसका श्रमण करता है, सयाति परमाम गतिम, वो मेरे वाली ओम से मिलने वाली राहत को प्राप्त करता है, उस गति को प्राप्त करता है। फिर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि सचिदानंद घन ब्रह्म, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन सा जो आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्लोक में गीता जी में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर सारे धातु ज्ञान को समझने के पश्चात प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। तो वो पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में गीता जी में
अर्जुन ने कि किम तत्ब्रह्म, फिर वो तत्ब्रह्म कौन है जो आपसे भी अलग है। उसके विषय में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि तीसरे श्लोक आठवें अध्याय के में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करने के लिए मंत्र बताया है कि सत्रहवें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। उसका क्या अर्थ है कि ओम तत्सत, ये सचिदानंद घन ब्रह्म का एक ओम तत्सत ये मंत्र है तीन अक्षर का, ये निर्देश है, फाइनल फैसला है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है जो आप ओम नमः शिवाय, ओम भागवते नमः शिवाय, ओम भागवते नमः आदि ये जो श्रवण करते हैं, और हरे कृष्ण राधे श्याम, सीता 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 राम राधे श्याम, राधे राधे श्याम राधे, ये कोई मंत्र नहीं है। विष्णु स्तोत्र आप करते हो, ये मनमुखी आप ऋषियों का बनाया हुआ है, ये भगवान का मंत्र नहीं है, भगवान का गॉड गिवन नहीं है। गॉड गिवन ये मंत्र है ओम, ये ब्रह्म का, और तत् सत ये गुप्त है, ये दास बता सकता है, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने ही ये दो मंत्र यहाँ ला कर दिए हैं, और ये अपने विशेष भक्त जो दृढ़ भक्त को ही परमात्मा प्रदान करता है, उसको क्लियर करता है, और उसको आगे दान करने का आदेश भी वही देता है। और वैसे इस उसके आदेश पर अगर कोई इन मंत्रों को अब वर्तमान में ये क्योंकि अब क्लियर कर दिए, इनको कोई स्वयं गुरु बनकर देने लग जाएगा, वो दुश्मन होगा मानव समाज का, क्योंकि वो अनाधिकारी है। एक अनाधिकारी से आप लाइसेंस बनवा लो ड्राइविंग, उसको चला के दिखाओ गाड़ी, फिर देखना क्या होगा। तो और ये मालिक का प्राप्ति करनी एक मनुष्य जीवन की सफलता, और ये दुश्मन बीच में प्रभुता के भूखे हैं, महाराज को आने के लालची और पैसे का इकट्ठा करने के लालच में ये दुष्ट आत्मा गुरु बन बैठते हैं, और भगवान के उन प्यारी आत्माओं को मालिक से सौ कोस दूर कर देते हैं, क्योंकि फिर वो जीवन बर्बाद हो जाता है, ना जाने कहाँ जन्म होगा फिर उनका, उस मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये ओम तत्सत ये मंत्र है तीन मंत्र का, ओम तत्सत ओम तत्सत, ये कोई जाप नहीं है। कुछ अज्ञानी संत ओम तत्सत ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि और लगा दिया गया इसके, हरि ओम तत्सत जाप करो, वो कति अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है, वो आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं और अपना भी नाश कर रहे हैं अपने जीवन का। ओम तो ब्रह्म का जाप है, और तत् ये पर ब्रह्म कहो, इसे अक्षर पुरुष कहो, ये गुप्त है, ये तत् सांकेतिक है, ये दास बताएगा उसका ओरिजिनल मंत्र। और सत भी सांकेतिक है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता इन मंत्रों से अपरिचित है, इसलिए उसने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो ज्ञान चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में आपको बताया है कि सचिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मणे मुखे, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बहुत विस्तार के साथ अनुष्ठानों की जानकारी कही गई है, वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उन वो फिर तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता अल्पज्ञ है, इसको पूर्ण मंत्र का ज्ञान नहीं, इसको पूर्ण कंप्लीट मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऑप्शन छोड़ दिया वो तत्वदर्शी संतों के लिए। उसकी पहचान बता दी कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा, 15वें अध्याय के गीता जी के मंत्र नंबर 1 में कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, और इसके उस पेड़ के जो सभी विभाग कौन कौन प्रभु हैं, इन सब छंदों को भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। और वो कौन थे, स्वयं कबीर देव कबीर साहब, जो सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया, जो उनकी लीला में वो लीला होती ही है, ऐसा ही करते हैं, जिसका वेद गवाही दे रहे हैं,
आंखों देखा, संत बता रहे हैं। तो वो उन्होंने जब आए कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किया, फिर एक निसंतान दंपत्ति उनको ले जाते हैं। उसी दुल्हा दंपत्ति के घर पर मालिक ने अपनी लीला की, परवरिश वाली बड़े होने की, फिर दुल्हे का काम करने लग गए। वो आए इसी उद्देश्य से थे कि मेरे से गरीब कोई नहीं हो सकता, निर्धन, और मैं भी परमात्मा पाऊंगा, तो आप जी भी परमेश्वर की कुछ रीस करो, मेरी नकल करो, मेरा अनुसरण करो, इस माया के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना करो। और फिर परमात्मा ने यह भी भरण निवारण कर दिया कि मेरे बताए मार्ग पर अगर चलोगे तुम, और दान धर्म भी साथ करते रहना, चाहे कोई इतना गरीब हो, दान में पीछे मत रहना, धर्म मत छोड़ना, भक्ति ना छोड़ना, कम ना करना, तो फिर तुझे कभी आवश्यकता पड़ेगी किसी प्रकार की भी। परमात्मा कहते हैं इतनी डिमांड करना मेरे से, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जाए। तो कबीर परमेश्वर दुल्हे का कार्य करते थे, साथ में यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते थे, जिससे इन नकली ऋषि महर्षियों की, जिन्होंने महर्षि की खाल ओढ़ रखी थी, गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी, परमात्मा ने वह खाल उतार कर दिखा दी उनकी कि ये शेर नहीं है, इनकी वाणी, क्योंकि गधे और शेर का आवाज से पता लगता है। तो ऐसे ऋषि और अऋषि का, संत और असंत का, विद्वान और अविद्वान का, उसके अनुभव की वाणी से ही पता लगता है। तो वो आवाज से पता लगता है, ये गधा है या शेर, यानी संत है या असंत। तो परमात्मा ने शेर वाली अमृत वाणी 600 साल पहले बोली थी, जो आज सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है, और वो नकली शेर, नकली ऋषि महर्षि, संत मंडलेश्वर परमात्मा का विरोध किया करते थे कि ये झूठ बोलता है, ये अशिक्षित है, इसने संस्कृत भाषा नहीं आती है, कबीर झूठा है, इसकी बातों में मत आना। और इसके साथ साथ परमात्मा को मारना चाहा, बहुत बड़े जुल्म किए, पता नहीं कितने परमात्मा के मारने के ओछे हथकंडे अपनाए, लेकिन समर्थ का वो बिगाड़ कुछ नहीं सके। अंत में उन्होंने ये सोचा कि इसको भगा दें यहाँ से, ऐसी इसकी बेइज्जती कर दें, तो देश देशांतर में सभी ऋषि मंडलेश्वरी नकलियों के पास पत्र डाल दिए कि दुल्हा कबीर बनारस वाला, काशी वाला 3 दिन का भंडारा करेगा, और ये नकली ऋषि महर्षि जो आया करते, ये 20-20, 30-30, 100-100 चेले रखा करते अपने अपने आश्रमों में, और जहाँ भी ये कहीं कोई भंडारा कराता, सेठ जन उनको निमंत्रित करता, सब जाते थे, सारे चेलों को ले जाते थे, और वहाँ पूजा मिलती थी, 1-1 रुपया चांदी का कुछ वस्त्र मिलते थे उनको, उनका मुख्य संत ले लेता था, उन जैसे 1 के 50 चेले हैं, और 50 खाना खाने गए, खाना सारे ने खाया, सबको 1-1 रुपया और कपड़े भी मिलते थे, प्रत्येक, कई सेठ तो ऐसे होते थे प्रत्येक खाने पर सुबह भी और शाम ने भी दोनों टाइम भी देते थे। तो वो इस लालच में सभी शिष्यों को लेकर के वहाँ पहुँचते थे भंडारों में। ऐसे ही परमात्मा के साथ ही उन्होंने जुल्म किया कि झूठी प्रचार कर दिया कि कबीर भंडारा देगा और 3 दिन का देगा, और प्रत्येक भोजन के साथ एक दोहर देगा, दोहर होती थी कंबल, जैसे आजकल बहुत बढ़िया कंबल हो 1000-2000 का, ऐसी दोहर होया करती थी, यानी सूती कपड़े की बनी हुई दोहर, बहुत मजबूत, खेस से भी तगड़ी होती थी, खेस देखा होगा आपने, उससे भी अच्छी होती थी, बहुत अच्छी, और एक एक असरफी डेली देगा, एक एक असरफी सोने की असरफी, यानी वो 10 ग्राम की होती थी 1 तोले की, ऐसा लिखकर सबके पास भेज दिया, सब आगे अपने चेलियां ले गए, 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए, लो बिलाल जी। और परमात्मा क्या कर रहे थे, जैसे 1 महीने में या 1 हफ्ते में 1 रुपये की मजदूरी आई, और आवश्यकता अपने घर में 8 आने की
एक हफ्ते में आठ आने के भोजन से काम चल जाना, तो आठ आने का तो भोजन ले आए, बाकी शेष आठ आने जो बच गए उनका भंडारा कर दिया करते थे, संग्रह नहीं करते थे। हमारे लिए उदाहरण देते हैं परमात्मा, अब जिसके घर पे सुबह का आटा हो मुश्किल से, और वहां फिर 18 लोग 18 लाख व्यक्ति आ जावें और 3 दिन की चिट्ठी लेकर के 3 दिन हम आपके मेहमान आ गए, आपने बुलाए। जब परमात्मा को पता चला, अब हमारे लिए उदाहरण दिया कि तुम हिम्मत ना हारियो, जब तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई आपत्ति आवे, और यदि आप नियम से चल रहे हो और सत भक्ति कर रहे हो, कहते हैं फिर मैं करके दिखाऊंगा तुम्हारे को क्या किया करता है भगवान। तो परमेश्वर ने एक रूप में बैठे वहीं पर कुटिया में अपनी झोपड़ी में, रविदास जी वहां पर उपस्थित हैं। जब रविदास जी को पता चला कि ऐसे ऐसे कहानी बन गई, तब परमेश्वर ने कहा भक्त बैठ जा, दरवाजा बंद कर ले, अपन घर नीचे बाहर नहीं चलेंगे, इन्होंने हमारे साथ मजाक कर दिया, 18 लाख व्यक्ति आ गए और 3 दिन की चिट्ठी ले रहे, 3 दिन तक भंडारा होगा। परमेश्वर गए सतलोक में, एक रूप में बैठे यहां पर, दूसरा रूप में सचखंड सतलोक में पहुंचे, और वहां से 9 लाख बैल, पहले बैल ला के ऊपर होया करते, उन गजा जैसे बोरे थैले रखा करते उनके ऊपर, और उन बैलों के ऊपर ही ट्रांसपोर्टेशन होती थी, जैसे आजकल ट्रांसपोर्ट होती है ना ट्रकों से, तो पहले बैलों से होती थी, फिर बैल गाड़ियां शुरू हो गई थी। तो बैलों को जैसे एक एक बंजारे होते थे, बिजनेसमैन बंजारे बोलते थे, वो 100-100 बैल रखा करता था, और प्रत्येक बैल पर लगभग 1 क्विंटल वजन वो रख लेता था, और ऐसे सैकड़ों बैलों को एक दूसरे से बांध कर अगले एक को पकड़कर चल देता था, 10-20 और साथ में व्यक्ति सब रखता था, ऐसे बंजारा कहलाते थे उनको। तो बंजारे का रूप बना के केशव नाम धर के अपना आप कबीर भगवान बनारस में प्रगट, काशी में आ गए, जो 18 लाख व्यक्ति इंतजार कर रहे थे भोजन नहीं आया, तंबू लग गए अपने आप, सैकड़ों कई हजारों की संख्या में सेवादार सतलोक से आई आत्माएं, और 9 लाख बैलों के ऊपर सामान 18 लाख व्यक्तियों का 3 दिन का, और लगा दिए तंबू, कर दी जय जयकार भगवान ने, 3 दिन तक एक बार में 18 लाख व्यक्ति खाना खाओ, प्रत्येक को एक एक असरफी, और एक बार में एक दोहर, वो केशव रूप सेठ परमात्मा आके सबको दे रहा है, बंजारों की जो सतलोक से आई हुई आत्माओं की ड्यूटी लगा रखी है कि सबको एक एक असरफी दे दो और एक एक दोहर दे प्रत्येक खाना का, और 3 दिन तक डूंडा ठा दिया। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, तुम तो छोटा सा कोई, जैसे आपने संकल्प कर लिया मेरा यूं काम हो जा, और ना हुआ तो आप विचलित हो जाते हो, क्या लाभ हुआ, मैंने पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ाई थी, इसे उलाने देने लग जाते हो, ये भक्ति मार्ग नहीं है। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, तो निष्काम से भाव से लगा रहे पूजा कर, जैसे मैंने साधना बताई है, और मन इच्छा फल देवेगा, जो पड़े धनीते काम। अब वहां धनी का काम था 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक, राजा भी रोटी नहीं खवा सकता, तो कितना सेठ बना रहा अपने आप, कोई सेठ भी नहीं कर सकता, और वो भोजन जो सतलोक से आया। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर है, वो पूर्ण परमात्मा है, उनकी साधना से उनकी भक्ति से ही हमें ये सब लाभ होगा, और वो स्वयं ही ये लीला करने आते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि चारों वेद इस परमात्मा की जो ना साक्षी दे रहे हैं कि वो परमेश्वर ऐसी लीला करता है, और वो लीला केवल परमेश्वर कबीर जी ने की है, किसी इतिहास दिखा दो किसी संत का या किसी भगवान का जिसको हम भगवान मानते थे,
वो सतलोक से चलकर आता है, शिशु रूप धारण करता है, और जब वो शिशु रूप में प्रकट होता है, उनकी परवर्ष की लीला यानी कुंवारी गायों के द्वारा होती है। उस परमात्मा को कुंवारी गायों का दूध पिलाया जाता है जब वो ये लीला करने आता है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जब लीला की थी, नवजात शिशु रूप धारण करके यहाँ आए थे, लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहा उठा ले गए थे, वो नी संतान थे। 25 दिन के हो गए थे प्रभु परमेश्वर कबीर देव जी वो शिशु रूप में, लेकिन कुछ भी आहार नहीं कर रहे थे। मुँह बोली माता नीमा बहुत चिंतित हुई और आखिरी अंतिम फैसला कर लिया कि यदि ये बालक मर गया तो साथ मरूंगी। तब अंतर्यामी परमात्मा ने सोचा मैं तो कौन मरूं, पर या जरूर मर जाएगी, या कुछ भी नहीं खा रही, 10 दिन हो गए 15 दिन से। तो उसी समय परमेश्वर ने लीला की, शिव जी को प्रेरणा की, शिव मंडल से शिवलोक से आए एक साधु रूप बना के नीमा से पूछा क्यों रो रही है माता। नीमा ने सारी कहानी बताई कि पहले तो हमारे एक संतान नहीं थी, और ये नीरू नीमा भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन ये उसी जन्म में हिंदू थे, ब्राह्मण थे, मुसलमानों ने जबरदस्ती इनको मुसलमान बना दिया था। भले ही ये मुसलमान बन गए थे पर भगवान शिव की, शिव के बहुत ज़्यादा पुजारी थे पहले, भगवान शिव की चाह इनके हृदय से गई नहीं थी। कोई भी आपत्ति आती थी भगवान शिव से ही समाधान मांगते थे। भगवान शिव जी को बहुत याद किया रोती रोती ने, तब परमेश्वर कबीर जी ने प्रेरणा की, शिव जी वहाँ उपस्थित हुए एक साधु रूप में। नीमा ने फिर सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे एक बालक मेरे भगवान शिव जी ने मुझे दिया, हम 60 वर्ष की आयु के हो गए थे, अभी तक कोई संतान नहीं थी, मेरे भगवान शिव ने मेरे पर रहम की और यह संतान दी, पुत्र दिया, और अब ये मरेगा, साथ मैं मरूंगी, इसमें मेरी ममता घनी होगी, मेरा मोह घना हो गया, मैं जी नहीं सकती अब, फाइनल फैसला, क्योंकि अंतर्यामी सारी जानते हैं ये अब ये सचमुच ये गलती गड़बड़ करेगी। तब परमात्मा ने समाधान किया। परमेश्वर कबीर जी को ज्यों ही शिव जी को के चरणों में डालना चाहा नीमा ने, परमात्मा आकाश में स्थिर हो गए, जमीन से 5-6 फुट की ऊंचाई पर और दूरी पर, शिव जी से 5 फुट की दूरी पर आसमान में झूल रहे हैं हवा में। तब शिव जी ने ऐसे हाथ किया, गोद में लेना चाहा, तब उनके हाथों में आगे भगवान 25 दिन के नवजात शिशु के रूप में प्रकट परमात्मा। तब 25 दिन के बालक ने शिव जी से कहा कि आप एक कुंवारी गाय मंगवाओ और उसके ऊपर आप आशीर्वाद भरा हाथ रख दो, वह कुंवारी गाय दूध देगी। ऐसा ही हुआ। उसके बाद वो परमात्मा वह दूध पीने लगे उस कुंवारी गाय का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट किया है कि वो शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवर्ष की लीला अभी अधन्या धेनवा, अधन्या माने बिना दनाई, अभी माने पूर्ण रूपेण, अभी अधन्या कति कुमारी, धेनो माने गौओं द्वारा उसकी परवर्ष की लीला होती है। वो कुमारी गायें दूध देती हैं और परमात्मा उस दूध को पी करके लीला में शरीर में बड़े होते हैं। अपने आत्माओं हमने परमात्मा को पहचानना है। एक सौदागर है, भैंसों की सौदागरी करता है, और उसको पूरी पहचान होती है अपनी भैंस की, ये कैसी प्रवृत्ति की है, कैसी प्रकृति है इसकी, और कितना दूध ये दे सकती है, उसकी पूरी जांच पड़ताल करके जब दूध भैंस लेकर आता है। और हम भगवान लेने चल पड़े हैं, और हमारे को किसी ने चाहे एक पत्थर का टुकड़ा पकड़ा दिया, यूँ भगवान है, हम उसके नमाथे लाएंगे,
किसी ने किधर जगन्नाथ में बता दिया, किसी ने अमरनाथ में बता दिया, किसी ने किसी गुफा में बता दिया, वहां धक्के खाने चले गए। किसी ने बताया मथुरा भगवान में लगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी वहां लीला किया करते थे। हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि श्री कृष्ण जी तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए थे। इन आपदाओं से घबरा के, कभी जरा सिंह लड़ रहा है, कभी शिशुपाल लाठी ठा रहा है, कदे काल्यवन आ गया सेना लेकर। काल्यवन जब मर गया तो उस सैनिकों ने कहा कि हम फिर आते हैं राजा चुनकर तुझे देखेंगे। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा यहाँ तो रोजाना का लठ बजाना पड़ेगा, रोजाना के झगड़े, इस स्थान को त्याग देते हैं। तो इतनी दूर चले गए द्वारका में जंगल में, उसमें समुद्र में जाकर, और बीच में बहुत बड़े जंगल होते थे पहाड़, ऐसे गुप्त स्थान पर लेकर चले गए अपने कुल के लोगों को या दो कुल को, और वहाँ पहुँच गए, वहाँ रहने लगे। अब वो मथुरा में भगवान ने का कल्याण ना हुआ, तुम वहाँ कल्याण करना चाहते हो, उनका गुजारा नहीं हुआ, वो तो छोड़ गए उस स्थान को जहाँ इतने नालायक लोग रहा करते, परेशान करते थे भगवान को, और हम वहाँ भगवान ढूंढने जावे, देख बुद्धि मारी जा रही हमारी। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर देव जी को हमने पहचानना है। हम बहुत बड़ा सौदा करने निकले हैं इस जीवन के एक श्वास की कीमत, ओह इस जीवन के एक श्वास की कीमत। परमात्मा कहते हैं, कबीर देव जी, कहता हूं कई जात हूं और कहूं बजा कर ढोल, और सांस जो खाली जात है, यो तीन लोग का मोल। या तो कम से कम कीमत बता दी परमात्मा ने सिंपल वेत कि एक मनुष्य जीवन के श्वास की इतनी वैल्यू है, इतनी कीमत है, तीन लोक भी इसके बराबर को नहीं। अब हिसाब ला लो, और हम इतने श्वास बर्बाद कर रहे हैं, इतना जीवन व्यर्थ करके जा रहे हैं, तो हम कितना नुकसान कर जाते ले अपने जीवन का, हमने कितनी हानि होगी। तो ये ज्ञान परमात्मा की कृपा से आपको सत्संग से होगा, और जिनको आप सत्संग और संत जानकर जहां तुम जाते हो, वो ना सत्संग है ना वो संत है, वो काल के द्वारा भ्रमित, वो स्वयं भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, वो संत और आप जी को भी गुमराह कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा, हमने सबसे पहले सौदा करने से पहले भगवान को पहचानना पड़ेगा, उसके पहचानने के लिए तत्व ज्ञान सुनना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक ये कहा है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा से ही संतुष्ट है, और कोई अपना योग अभ्यास करता है, कोई पान पान की क्रिया देखता है, कोई श्वास उश्वास की क्रिया को आते जाते ध्यान रखता है, कोई अहिंसावादी है यानी घोर व्रत करता है, मुंह पर पट्टी बांध ली नंगे पैरों घूमना, कोई स्वाध्याय करता है, कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, इन सभी क्रियाओं को करता हुआ अपनी क्रियाओं को वो पाप नाशक जानता है, वो नो सोचा है मैं जो क्रिया कर रहा हूँ ये सही है, पाप नाशक है, पाप नाश होंगे तो मोक्ष होगा, क्योंकि हम पाप रहित होकर भगवान को, उस पाक पवित्र परमात्मा को हम भी निष्पाप होकर मिल सकते हैं, पाक होकर। तो उसके लिए तो वो सभी अपने इस सोचते हैं कि हम जो साधना कर रहे हैं ये सही है और ये पाप नाशक है यानी मोक्षदायक है। फिर बताया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस जो अभी आपको जिन क्रियाओं के धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानों की जानकारी दी है, इस प्रकार से की और यथार्थ रूप में जो धार्मिक अनुष्ठान है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखे हैं, और उनको तो जान, वो कर्म जान यानी वो करने पड़ेंगे। इतने कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं, वो कर्पाटन की है, इसका ये तात्पर्य है। और फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। फिर चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि इस द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और सभी यावन मात्र कर्म यानी सभी कर्म फिर तेरे इस ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाएंगे। इसका
भावार्थ क्या है कि तू आंख मीच कर अंधा धुंध कहीं किसी को दान कर देता है, कहीं कोई धर्मशाला बनवा देता है, कहीं कोई प्याऊ खुलवा दी और कहीं की तो मंदिर का लठ कटवा दिया, कहीं भंडारे करवा दिए, कोई तो कंबल बांट दिए। कहता है ये जो तू आंखें बंद करके इस तरह दर्व में, दर्व माने जो धन से होने वाले अनुष्ठान आप जी कर रहे हो, इससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सबसे पहले तू तत्वदर्शी संतों से जाकर वो ज्ञान सुने। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है, उस ज्ञान को समझ। आंख मीच के दान धर्म ये पैसे देने से कोई लाभ नहीं होगा, कुपात्र को दिया हुआ दान धर्म व्यर्थ होता है। तो फिर कहा है उस यानी दर्व में यज्ञ से धन से धन व्यय करके जो तुम धार्मिक अनुष्ठान करते हो उस आंख मीच का करणते पहले तू ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है वो तत्व ज्ञान सुन ले, और उस तत्व ज्ञान में फिर तेरी सारी ब्रह्मणा भटकना मिट जाएगी। जो तू अपनी मन मर्जी से कितना कुछ कर रहा है वो ऐसे मत कर। उस तत्व ज्ञान को चौथे में जाएगा 34वें श्लोक में कहा, गीता जी में चौथे जाएगा 34वें श्लोक में वो तत्व ज्ञान जो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, वो कबीर वाणी में है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, उनकी प्यार से सेवा करने से, श्रद्धा से, विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस सचिदानंद घन ब्रह्म उस परमात्मा की जानकारी बतावेंगे, तत्व ज्ञान सुनावेंगे। तो पुण्यात्माओं ऐसे परमेश्वर लीला करता है और अपनी महिमा आप ही बताने के लिए वो परमात्मा यहाँ आते हैं। और मनुष्य जीवन पाकर के यदि हम धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अब परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब मनुष्य जीवन पाकर भगवान की भक्ति नहीं करते, व्यर्थ है उनका जीवन। अब करें कैसे, क्या साधना है, कैसा है भगवान, वो कैसे मिलता है। जो साधना हम कर रहे हैं ये कहीं प्रमाणित भी है कि नहीं, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि जो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, कोई कार्य उनका सिद्ध नहीं होता। सिद्धि का अर्थ है कि जैसे हम जिस उद्देश्य को सिद्ध करने लगे हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए चले, वो नहीं होता उस साधना से। फिर 24वें श्लोक में कहा गीता जी अध्याय नंबर 16 के कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से भक्ति मार्ग कर्म करने चाहिए और कौन से भक्ति कर्म ना करने चाहिए, कौन से शास्त्र अनुकूल हैं, कौन से शास्त्र विरुद्ध हैं, उनके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों के आधार से ही साधना करना, यदि सदग्रंथों के विरुद्ध कोई नाम मंत्र विधि बताता है उसको नहीं करना, वो यूजलेस है। तो पुण्यात्मा पवित्र गीता जी का पाठ लगभग हिंदू समाज सभी करते थे और गीता जी को सर्वधार्य मानते थे। इन नकली गुरुओं ने, नकली ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने और मंडलेश्वरों ने गीता जी के विषय में कह कह का पता नहीं, ना वेदों का पता, इनको कह कह का पता नहीं वेदों के बारे में, और वेदों को कंठस्थ याद कर रखे इन्होंने, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, गीता जी को कंठस्थ याद किए हुए बहुत महर्षि देखे। एक बुढ़िया थी अजाब गांव की और एक और उसके साथ बेबे थी उसकी पड़ोसन, दोनों आई नाम लेने। वह बुढ़िया लगभग 65-70 वर्ष की
और मैंने पूछा माई मैं गीता के विषय में बताने लगा, ने बोली गीता का पाठ मैं डेली करती हूँ। वह बुढ़िया वो अक्सर थोड़े बहुत जाने थी, हिंदी बिला मैंने सीख ली थी और पढ़ लेती हूँ, संस्कृत भी पढ़ लेती हूँ। दूसरे अध्याय को जिसमें लगभग 70-75 वो है 73 श्लोक संस्कृत के, और सारी संस्कृत याद कर रही पूरे 73 के 73, ने बोली यो मेरा फेवरेट है अध्याय है। और एक कहने लगी मैं 12वें अध्याय का डेली पाठ करती हूँ, उसने वो गोट रखा। मैं बुढ़िया से कहने लगा सुना, उन्हें कर दिया शुरुआत पहले मंत्र तो, डटी नहीं डटी, मैं बोला डट जा रुक जाओ ठीक है समझ में आ गई। अब ये है ये, वो एक बुढ़िया अनपढ़ सी केवल हिंदी सीख ली, फिर वह संस्कृत बोलना सीख लिया अभ्यास से, और उसने ये पता नहीं इसमें क्या लिखा गीता, नोना बेरा मैंने क्या लिख रखा है इसमें, मन तो इस गोट रखा डेली करती हूँ, मेरे को बताया था गुरु ने, गुरु जी ने तो डेली पाठ करा कर तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। मैं कोई होया संकट दूर बुलाना होया कोई नहीं, तभी ताज आपके पास आई हूँ। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ये गुरुआं गांव बिगाड़े संतो गुरुआं गांव बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव का लाजिए ईब जड़े नहीं जाड़े। फिर उनको समझाया कि ऐसे ऐसे ऐसा करो ये भक्ति ठीक नहीं है। तो फिर कई दिन में जाकर बुढ़िया की सेटिंग हुई, फिर वह मानी हाँ बात तो ठीक है, मैं तू मंत्र के जाप करे बोला हरे राम राधे श्याम सीताराम, मैं गीता में है कहीं हरे राम राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे, बोला ना। फिर कमाल की बात है, गीता जी में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म के ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम, माम ब्रह्म मुज ब्रह्म का ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, और इसका अंतिम सांस तक करना है तो मेरे वाली परम गति यानी ब्रह्म तक का 17 का जो पूर्ण लाभ है इस ओम मंत्र से मिल जाएगा। इस ओम मंत्र से क्या लाभ होगा, ओम मंत्र का जाप ब्रह्म का है और ब्रह्म की साधना करने वाला व्यक्ति ब्रह्म लोक में चला जाता है, और उसकी वहां सटे बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसके बाद फिर वो ब्रह्म लोक में गया हुआ प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी जन्म मृत्यु में है, पुनरावर्ती में, वहां से जाने के बाद भी पुनः क्षीण होने पर वापस जन्म मृत्यु 84 लाख योनियों में आना पड़ता है। अब इस 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में थोड़ा सा अनुवाद करता हूं, हेरफेर कर दिया, उसमें लिखा तो यह है कि जो ये नहीं जानते न विद्धते, अब विद्ध धातु जो है ये विद्या का जानने का संकेत है, जो न विद्धते वो कहते हैं पुनर्जन्म न विद्धते। अब कहने का भाव ये है कि जो ये नहीं जानते वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म में आते हैं और ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है। यदि इसका अर्थ अज्ञानियों के आधार से कहें कि मुझे प्राप्त प्राणी फिर पुनर्जन्म नहीं होते, 4वें अध्याय के 5वें और 9वें और 2वें अध्याय के 12वें श्लोक में ठोक कर कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता आगे भी होंगे। तो यहाँ सीधा लिखा है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, ओम से जो परम गति होगी ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्मलोक के गए मैं गए हुए प्राणी भी फिर वापस जन्म मृत्यु में है, पूर्ण मोक्ष नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का मंत्र जो है, उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र ओम तत्सत है, ओम भी उसमें इंक्लूड है, ब्रह्म की भी साधना है, फिर परब्रह्म की और परम अक्षर ब्रह्म की, ये तीनों मंत्रों से अलग अलग भक्ति कर्म बनते हैं, और इन तीनों के ही अलग अलग साधना करने से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है तो मेरा भजन कर, मेरा नाम जाप कर,
मेरा मंत्र ओम है, आठवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में इसने बताए दिया कि इसका तो साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा तो युद्ध भी कर और साधना भी कर, मंत्र जाप भी कर, नाम जाप भी कर, मेरा सिमरन कर। और आठवें अध्याय के 8, 9, 10 तीन मंत्रों में बताया है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा कर। आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत् ब्रह्म, उसके विषय में आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता कहता मेरे से अलग है कोई परम अक्षर ब्रह्म, तो आठवें अध्याय के 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा करने के लिए कहा कि उसके लिए बता तत्वदर्शी संतों की खोज कर। उसका मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक बता है वो ओम तत्सत तीन मंत्र का है। उसकी साधना करने वाला उस परम दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होगा, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि तत्वदर्शी संत की ये पहचान है, वो सारे उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की सभी विभागों को बताओगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा पात्र संसार। उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, सत्खंड के बारे में साधना करनी चाहिए, सनातन परम धाम की साधना करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम, सनातन माने आदि अनादि, उस सदा सबसे पुराना सबसे पहले वाले लोग सचखंड में सदा रहने वाले शाश्वत स्थान में, शाश्वत माने कभी नाश न होने वाले स्थान पर, सदा रहने वाले स्थान में यानी सतलोक को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अब ये परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अब परम अक्षर ब्रह्म ये पूर्ण परमात्मा है, कंप्लीट गॉड है, जिसके विषय में वेद भी प्रमाण देते हैं, जिसके विषय में वेद गुणगान करते हैं, और वेद में लिखा है कि वो कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा है जो सचखंड से गति करके अपने उस तीसरे धूल लोक के तीसरे पृष्ठ से जहाँ पर वो रहता है तीसरे धाम में, वहाँ से चलकर आता है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 26 और 27 में और 31 में भी इसका बहुत अच्छा विवरण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 16 से लेकर 20, 21 तक, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 और 32 में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में, और 17 में, और भी अनेक स्थानों पर गिनती नहीं। अभी तो ये सिंपल से कुछ एक श्लोक आपको बताए जा रहे हैं, वेद तो भरा कबीर भगवान की महिमा से ही है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। यानी परमात्मा ने कहा था कि चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन मेरे पाने की विधि वेदों में नहीं है। वेदों में केवल ब्रह्म तक की साधना, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा कि ओम कर्तु समर कलवे समर कर्तुम समर, केवल ओम नाम ब्रह्म तक का है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीताजी में ये ब्रह्म कहता है माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षर, यह एक ओम अक्षर है, इसका अंतिम श्वास तक उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो श्री छोड़कर जाता है वो मेरे ब्रह्म लोक में आ जाता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।